शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी देर से बंदर की तरह गुलाटी लगा रहा था। अरे ये कोई रावण की लंका थोड़ी है जो कोई हनुमान आकर उसे जला दे। ये हमारा राजनगर है, हमारा राजनगर। यहाँ राजा का बाजा कोई नहीं बजा सकता, राजा ही सबके बाजे बजाता है। मत मारो मेरे अर्जुन को। तूने मेरा ये झंडा उतारा था, अब तू ही मेरा ये झंडा लगाएगा। तेरी गोलियां सिर्फ मेरे जिस्म को जल्दी कर सकती है, मेरी हिम्मत को नहीं। मेरे जीते जी ये झंडा नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मारो साले को। या अल्लाह, एक तो उस पर धोखे से वार किया और उस पर चार चार शैतान एक साथ टूट पड़े। तुझे शर्म नहीं आती कमीने? शर्म? शर्म? शर्म तो आनी ही चाहिए, शर्म तो बहुत जरूरी है। क्यों बोल, तू झंडा उतारता है या सब गांव वालों के सामने तेरी बीवी के मैं कपड़े उतारू? उतारू? बोल, उतारू कपड़े? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं अर्जुन, अर्जुन तुम हिम्मत मत हारना। मेरी इज्जत इस देश की इज्जत से बड़ी नहीं है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मेरे तन के कपड़े भले ही उतर जाए लेकिन ये झंडा मत उतारना, मत उतारना ये झंडा अर्जुन। देखा कुत्ते, ये है भारत की नारी, और जब तक हमारे देश में ऐसे नारियां हैं, एक जयचंद क्या, तेरे जैसे हजार जयचंद भी इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये झंडा कभी नहीं झुका सकते, कभी नहीं झुका सकते। झंडा तो उतरेगा, जरूर उतरेगा ये झंडा, ये झंडा जरूर उतरेगा। राजा के अत्याचार ने गायत्री की याददाश्त छीन ली, उसे पागल सा बना दिया और छोड़ दिया उसे पल पल मरने के लिए। Thank you.
तो तुम लोग राजा जयचंद को मारने जा रहे थे, जबकि ये भी नहीं जानते कि वो रहता कहाँ है। हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे कमिश्नर साहब। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी सरकार हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। हम कब चाहते हैं कि तुम उसे छोड़ो? सरकार ने तुम लोगों को भेजा ही इसीलिए। हमें ये जहरीला पेड़ जड़ से काटना होगा, तभी हमारा मिशन सफल होगा। और उस वक्त तक तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र, सब्र, सब्र एक छोटा सा लफ्ज है और उसे बोलना भी आसान है, पर बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाले भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। सर, आपकी बहन या बेटी पागल हो गई होती, उसके पति को मार दिया गया होता, तो आप सब्र कर सकते थे? कर सकते थे आप सब्र? सब्र, आज तक तो मैं सब्र ही करता आ रहा हूं। मैंने तुम दोनों को एक बात नहीं बताई है, लेकिन आज बता ही देता हूं। वीरू, तुम अपनी मंगेतर शीला को तो नहीं भूले होगे ना? शीला? आप शीला को कैसे जानते हैं? मैं उस शीला का दादा हूं, वो मेरी पोती थी। शीला की हत्या ने तुमसे तुम्हारा सब्र छीन लिया और तुमने उसके हत्यारे बॉब को जान से मार डाला, लेकिन मैंने अपना सब्र नहीं खोया, क्योंकि मैं जानता था कि शीला के हत्यारे बॉब को मार डालने से देश के दुश्मन खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बॉब देश में फैले हजारों आतंकवादियों का सरगना नहीं था, वो उनमें से एक था। और मैं देश में फैले हजारों आतंकवादियों के सरगने राजा जयचंद को और उसके विदेशी साथियों को एक साथ खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने सरकार के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, तुम दोनों को जेल से फरार कराया और गुंडों के रूप में मशहूर करवा दिया, और तुम्हारी ये शोहरत रंग लाई। तुम छेदीलाल से मिले, छेदीलाल ने तुम्हें लीली तक पहुंचा दिया, और लीली को राजा जयचंद के लिए दो गुंडों की जरूरत थी, इसलिए तुम आज यहां तक पहुंच पाए। लेकिन एक बात तुम दोनों को याद रखनी है, इस लड़ाई में तुम सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो, भाई नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई किसी बेटी, बहन या प्रेमिका की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, आने वाली पीढ़ी की है। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला काम, राजा जयचंद के खुफिया अड्डे का पता लगाना। दूसरा, 15 अगस्त से पहले यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें देश के गद्दारों के साथ साथ दुश्मन देशों के एजेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, हमें उन सबको एक साथ गिरफ्तार करना है। तीसरा काम, तुम दोनों अपनी बहन से नहीं मिलोगे। अगर राजा जयचंद को जरा भी शक हो गया कि तुम दोनों उसके भाई हो, तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बड़ी होशियारी से रहना होगा। राजा जयचंद के आदमी यही समझें कि तुम शराबी, गुंडे, लफंगे हो, तुम उन्हीं के लिए काम करते हो, और उन्हीं के बीच रहकर तुम्हें सब कुछ पता करना पड़ेगा, और जो कुछ पता लगे मुझे सलीमपुर थाने में रिपोर्ट करो।